अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और आज की जो मेरी वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये उस रात की वीडियो है कि जिस रात की सुबह हमने हज के लिए रवाना होना था और मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर आई हुई है हमें खुदा हाफिज़ कहने के लिए, मुबारकबादें देने के लिए। क्योंकि हमारे अगर घरानों में देखा जाए तो हज जो है वो एक इतनी बड़ी सआदत है खुशकिस्मत लोगों के लिए कि हमारे माँ बाप और हमारे बड़ों और हमारे बुज़ुर्गों के लिए हज से बड़ी कोई खुशी नहीं है किसी भी मुसलमान के लिए। कि अगर वो हज पे जाता है तो ये वो रुकन है जो कि वो पूरा करता है इस्लाम का। तो जी, सब बहुत खुश हैं माशाल्लाह से। और एक ईद का समा है घर में कि जैसे एक चांद रात होती है और दूसरे दिन ईद होती है, तो वो समा है माशाल्लाह से घर में। और हम जब खुश होते हैं, हमारा कोई भी त्यौहार होता है, चाहे वो ईद हो चाहे वो शादियां हो हमारे घरों में, तो हम सबसे पहले जो है उस त्यौहार में हम ख़वातीन का ये होता है कि जी मेहंदी लगानी है। तो मेहंदी चूँकि लगाना सुन्नत भी है और ये खुशी की निशानी भी होती है, जब हम खुशियाँ मनाते हैं तो मेहंदी लगाते हैं। तो जी, ये मैं मेहंदी लगवा रही हूँ इस वक्त अपनी बहन रुबाब से, चूँकि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से ये एक खुशी है और ये एक सआदत है, ये नसीब है मेरा और मेरे शोहर का कि हम दोनों जो हैं अल्लाह के खून से उसके बुलावे पर उसके मेहमान बनकर जा रहे हैं। मेहंदी देखें कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह मियाँ हर मुसलमान को हज पे लेके जाए और सबका हज कबूल करे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अब वो आएगी बात की, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। क्या हाल है रेशमा? आपको भी मुबारक हो। ये तो दुआएं अम्मी पापा की इतनी अच्छे से मांग रहे थे। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह मियाँ, आप मेरे बच्चों को जा रहे हैं हज पे, अल्लाह ताला इनके और जितने भी लोग जा रहे हैं सबके हज मुबारक कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ साथ खैरियत से लेके आए, इनको अपनों में मिलाए। हर मुसलमान मोमिन को हज ज़रूर है और अल्लाह का घर और हुजूर पाक का रोज़ा ज़रूर दिखाए। आमीन। हमें भी उम्रे पे ले जाए, हम हज कर चुके हैं, अब अल्लाह ताला हमें उम्रे पे एक दफ़ा ज़िंदगी में और दिला ले। आमीन। हम आए हैं जवेरी और सबूत को, आज क्योंकि ये हज पे रवाना हो रहे हैं तो इन्हें मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आए हैं। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ गए हैं कि अल्लाह ताला इनका सफ़र साफ खैरियत के मुकम्मल कराए और जो हज का फरीदा है जिसे अदा करें उसे कबूल करें। और हमारी ये भी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह अज़ीज़ आइंदा साल हम सब पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठे होकर हज पे जाएँ और तमाम उम्मत इस्लामिया पर अल्लाह पाक अपना रहम करें। अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत मुबारक हो सऊद भाई और हनी बाजी, हमारे लिए बहुत दुआ करनी है, पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ करनी है, जिनका ऐसे से गुजारा, अल्लाह हम सबको उससे निकाले इंशाल्लाह। आमीन। और हमें ज़रूर लेके जाए इंशाल्लाह अगले साल हज पे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम सबको, हम आए हैं इन लोगों को शी ऑफ कहने के लिए। ये लोग इंशाल्लाह जा रहे हैं हज पे, अल्लाह ताला इनका हज कबूल फरमाए, इन लोगों का हज आसान करे, इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। सब आए जवेरियाँ और सऊद को अल्लाह हाफिज़ करने, ये लोग इतनी बड़ी सआदत हासिल करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करें, इनका हज कबूल करे और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को लेकर जाए। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम, आपको अनिबा जी और सऊद भाई को बहुत बहुत मुबारक हो हज की, अल्लाह पाक आप लोगों के साथ खैरियत से लेकर जाए, वापस लेकर आए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, हज की बहुत बहुत मुबारक हो सऊद भाई और बाजी, आप दोनों को खुशी खुशी जाए, खैर खैरियत से जाए और खैर खैरियत से वापस आए। हम सबके लिए दुआएं
दुआएं कीजिएगा, याद रखिएगा हम लोगों को दुआओं में। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आप लोग को अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए आए हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में लेके जाए, अपनी हिफ्ज़ो अमान में वापस लेके आए, आपकी वहाँ पे सारी इबादतों को कबूल फरमाए। और हम सबके लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक अगले साल हम सब एक साथ जाएं हज पे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाजी सऊद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला आपको पर आसान फरमाए, ये फ़राइज पूरे करने की तौफीक दी अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला सब मुसलमानों को लेके जाए और आपका ये हज का तमाम मामला आसान फरमाया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हज पे जा रहे हैं और आपकी सारी जायज दुआएं हज को कबूल और मंजूर अता फरमाएं, हम सबको भी हज करने की सादत नसीब हो। हमारी दुआ है कि आप लोग साथ खैरियत के जाएं और साथ खैरियत के, आमीन आमीन। थैंक यू। रियाज भाई हमारे बड़े खास मेहमान हैं, हम सऊदीया जा रहे हैं और ये सऊदी से इधर आए हुए और ये स्पेशल इत्र लेके आए हैं मेरे लिए, आप ये तस्वीर लाएँ। खुश नसीबों में से एक हैं रियाज भैया, हम खुश नसीबों में से एक हैं जो खाने काबा के अंदर सोए भी हैं, काम भी किया और उसकी तकमील भी की, माशाल्लाह से बनाया। ये है इत्र स्पेशल आया है, जज़ाकअल्लाह। लेकिन खुश नसीब है आप जैसे लोग, हम कहाँ इसका भी बैठे बैठे इन शुक्रिया। हज पे जा रहे हैं, अल्लाह खैर से लेके जाए और खैर से लेके आए अल्लाह के घर से, बहुत बहुत दुआओं के साथ सलाम। चले सब यार फी अमान ला, सदका फी अमान ला, नजर दो जाए
के देखूं मदीना।